अच्छी तरह अधिकारियों के भवनों पर चला जेसीबी का पंजा। बाजकपुर में हुई बड़ी कार्रवाई को लेकर अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। नमस्कार, समाचार विस्तार से। अतिक्रमणकारियों के भवनों पर जेसीबी का पंजा जमकर चला और जिसके चलते अतिक्रमणकारियों में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले बांदकपुर में जेसीबी का पंजा चला। प्रशासन की टीम ने अतिक्रमणकारियों के भवनों को तोड़ दिया और एक संदेश भी दिया और संकेत भी दिया और चेतावनी भी दी कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। शासकीय भूमि पर जो कब्जा किया जा रहा है वह कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको इसी प्रकार तोड़ा जाएगा और आवश्यक हुआ तो कार्रवाई और भी होगी। दमोह के तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर के नेतृत्व में यह टीम पहुंची बांदकपुर, जहां उन्होंने तालाब के पास बड़ी संख्या में बनने वाले भवनों को तोड़ दिया। यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ऐसा भी बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास के आवास भी यहां पर बिना पट्टे के बनाए जा रहे थे। पूर्व में लगातार इनको सचेत किया गया, सूचना दी गई, परंतु जब नहीं माने तो प्रशासन ने जेसीबी का पंजा चलाया, कानून का पाठ पढ़ाया ऐसे अतिक्रमणकारियों को। आइए चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांदकपुर में किस प्रकार प्रशासन की जेसीबी का पंजा अतिक्रमणकारियों के ऊपर चल रहा है, उनके भवनों पर चल रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार कार्रवाई हुई और अब हम चर्चा करते हैं तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर से, क्या कहना है उनका। ये बांदकपुर में बड़े तालाब की जो जमीन है उससे लगी हुई पहाड़ी जो है उसके ऊपर कई लोगों द्वारा चीरे गाड़े गए थे और मकान निर्माण और कुटीर निर्माण किया गया है जो अवैधानिक है, शासकीय भूमि है, इस वजह से इन सबके अतिक्रमण हटाए गए। ज्ञातों के पिछले कई दिनों से यानी पिछले कई महीनों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही थी कि अतिक्रमणकारी लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं संबंधित विभाग के, वह लगातार सचेत कर रहे थे, ऐसे लोगों को बार बार कह रहे थे कि ये अतिक्रमण जो आप कर रहे हैं वह अवैध है, अतिक्रमण यहाँ नहीं होना चाहिए, परंतु अतिक्रमणकारी मान नहीं रहे थे और फिर प्रशासन की जेसीबी का पंजा चला और अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। देखते रहिए एनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।